नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे बरुथनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में। मित्रों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुथनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह व्रत सुख सौभाग्य का प्रतीक है। इस दिन जरूरतमंद को दान देने से करोड़ों वर्ष तक ध्यान मग्न होकर तपस्या करने तथा कन्यादान के भी फलों से बढ़कर बरुथनी एकादशी व्रत के फल को कहा गया है। बरुथनी एकादशी करने वाले व्यक्ति को खास तौर पर उस दिन दातुन का प्रयोग करने, परनिंदा करने, क्रोध करने और असत्य बोलने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस व्रत में तेल युक्त भोजन भी नहीं किया जाता है। इसकी कथा सुनने से 100 ब्रह्म हत्याओं का दोष नष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह व्रत बहुत ही फलदायक कहा गया है। बरुथनी एकादशी व्रत का महत्व समझते हैं। बरुथनी एकादशी का व्रत करने से दुखी मनुष्य को सुख मिलते हैं, राजा के लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इस व्रत का फल सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है और अंत समय में स्वर्ग को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को हाथी के दान और भूमि के दान करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सभी दानों में सबसे उत्तम तिलों का दान कहा गया है। तिल दान से श्रेष्ठ स्वर्ण दान कहा गया है और स्वर्ण दान से भी अधिक शुभ इस एकादशी का व्रत करने का उपरांत जो फल प्राप्त होता है वह कहा गया है। तो आइए जानते हैं बरुथनी एकादशी व्रत की विधि। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का व्रत करने के लिए उपासक को दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत पालन में दशमी तिथि की रात्रि में ही सात्विक भोजन करना चाहिए और भोजन में मांस, मूंग दाल और चने, जौ, गेहूं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भोजन में नमक का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए तथा शयन के लिए भी भूमि का प्रयोग ही करना चाहिए। भूमि शयन में भी अगर श्री विष्णु की प्रतिमा के निकट हो तो और भी अधिक शुभ रहता है। इस व्रत की अवधि 24 घंटों से भी कुछ अधिक हो सकती है। यह व्रत दशमी तिथि की रात्रि के भोजन करने के बाद शुरू हो जाता है और इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल में ब्राह्मणों को दान आदि करने के बाद ही समाप्त होता है। बरुथनी एकादशी व्रत करने के लिए व्यक्ति को प्रातः उठकर नित्य क्रम क्रियाओं से मुक्त होने के बाद स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना होता है। स्नान करने के लिए एकादशी व्रत में जिन वस्तुओं का पूजन किया जाता है उन वस्तुओं से बने लेप से स्नान करना शुभ होता है। इसमें आंवले का लेप, मिट्टी आदि तिल का प्रयोग किया जा सकता है। प्रातः व्रत का संकल्प लेने के बाद श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए धान्य का ढेर रखकर उस पर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखा जाता है। घड़े पर लाल रंग का वस्त्र बांधकर उस पर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा धूप दीप और पुष्प से की जाती है। आइए शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में नर्मदा तट पर मानधाता नामक राजा राज सुख भोग रहा था। राजकाज करते हुए भी वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था उसी समय एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तपस्या धर्म के अनुकूल क्रोध न करके भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की, भक्तों की बात शीघ्र सुनने वाले भगवान श्री विष्णु वहां प्रकट हुए तथा भालू को चक्र से मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल था। विष्णु जी ने उसको दुखी देखकर कहा कि हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा बरुथनी एकादशी का व्रत करके करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले
हो जाओगे। भालू ने तुम्हारा जो अंग काटा है वह अंग भी ठीक हो जाएगा। यह तुम्हारा पैर पूर्व जन्म के अपराध के कारण कटा है। राजा ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा से किया और वह फिर सुंदर अंगों वाला हो गया। व्रत के दिन ध्यान रखने योग्य 10 बातें। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मांस नहीं खाना चाहिए। तीसरी, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। चौथी, चना नहीं खाना चाहिए। पांचवी, करोदे नहीं खाने चाहिए। छठी, शाक नहीं खाना चाहिए। सातवीं, मधु नहीं खाना चाहिए। आठवीं, दूसरे से मांगकर अन्न नहीं खाना चाहिए। नवीं, दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। और दसवीं, वैवाहिक जीवन में संयम से काम लेना चाहिए। तो मित्रों, ये थी एकादशी व्रत की कथा। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।